दोस्तों जय माता दी। हम लोग अभी दर्शन करने के लिए निकलने वाले बस माता रानी के। हम लोग अभी देखिए त्रिकुटा भवन में है, ये श्राइन बोर्ड का ही द्वारा चलाया जाता है। देखिए हमारा लक्ष्मी टेंपल भी, यहाँ दर्शन कर चुके हम लोग माता लक्ष्मी के, और देखिए टीका लगवा लिए और नहा वहाँ के रेडी है और बस जा रहे हम लोग। ये है त्रिकुटा भवन, जहाँ पर आपको रूम्स वगैरह मिल जाएगा, डॉर्मेंट्री, नॉन एसी, एसी 150-200 में। वो ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, वो आपको वेबसाइट यहाँ साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। 1-2 महीना एडवांस में बुकिंग होता है, ऑफलाइन यहाँ बुकिंग नहीं होता है। और वो देखिए ऊपर में त्रिकुटा पर्वत, सामने दिख रहा है अर्धकुंवारी माता रानी का गर्भगृह है वो। चलिए चढ़ाई देखिए, इतना ऊपर हम लोग करना है। देखिए ये पूरा त्रिकुटा पर्वत है। जय माता रानी। हमेशा से ये पर्वत इतना सुंदर दिखाई देता है कि ये मेरा 8वां बार है वैष्णो देवी आने का। ये देखिए त्रिकुटा भवन के सामने यहाँ पे बस स्टैंड रहता है, पूरा ऑटो वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा, फैसिलिटी, खाने पीने का ऑप्शन, ढाबा वगैरह सब है। और ये रहा त्रिकुटा भवन। ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो बताए थे वही, देखिए यहाँ पे कूड़ा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे भोजनालय भी है, जो कि श्राइन बोर्ड डॉट चलाया जाता है, यहाँ पे बहुत सस्ते में आपको हर चीज़ खाने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों त्रिकुटा भवन में के पास आपको यात्रा पर्ची कटाने मिल जाएगा, सामने यात्रा पर्ची काउंटर है, यहीं से हम लोग को कार्ड बनवाना होगा जो एंट्री के लिए काम आता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड है। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अपने चढ़ाई के लिए, यात्रा के लिए वैष्णो देवी का। देखिए हम लोग यहाँ पे पट्टी बनवा ली, जय माता दी वाला। ये देखिए जय माता दी। देखिए वो पैदल मार्ग से हम लोग आए, और गाड़ी वगैरह, टोटो वगैरह, ऑटो वगैरह इस साइड रोड से आता है, जो मेन रोड है वो पकड़ लिए देखिए। और यहीं से देखिए कुछ चुनरी वगैरह, लाठी वगैरह, आपको जो चलने में सहारा मिलता है, पट्टी वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह। तो अभी चलते हैं, आपको सीधा बाणगंगा चेक पॉइंट पर फिर दिखाएंगे। अभी हम लोग रास्ता पर चल रहे हैं, आपको ऑटो वगैरह यहीं पर रुक जाता है, ये ऑटो स्टैंड, और सामने में ही है देखिए वो रहा बाणगंगा चेक पॉइंट। वहीं से मेन हम लोग का जर्नी स्टार्ट होगा, यात्रा स्टार्ट होगा माता वैष्णो देवी के लिए। ये रास्ता है, यहाँ से बैरिकेडिंग है, यहीं से होके जाना है। सामने देखिए माता वैष्णो रानी का पर्वत, त्रिकुटा पर्वत, और ये आ गया बाणगंगा चेक पॉइंट, फ्रिस्किंग पॉइंट देखिए लिखा हुआ आगे। जय माता दी। अगर आप कार्ड नहीं बनवाए तो आपका एंट्री नहीं मिलेगा। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ भी हम लोग को बैग वगैरह चेक होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेस्टिंग पॉइंट पे ये, और लगेज वगैरह चेक होने के बाद फिर हम लोग अपना यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। देखिए भवन का रास्ता अभी इधर से स्टार्ट होता है। जय माता दी। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर अपना। यहाँ पे देखिए आपको अगर पिट्ठू यूज़ करना है, जो कि घोड़ा वगैरह, पोनी वगैरह, देखिए यहाँ से आपको रेट है वो आप पढ़ सकते हो, और उस हिसाब से आपको बुकिंग कराना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये है लंगर का रास्ता, नीचे से जाने का, गुलशन कुमार जी का लंगर है, तो यहाँ पे आप लोग लंगर भी खा सकते हो। तो हम लोग तो ये ताराकोटा मार्ग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल वाला पुराना से जाते मार्ग, ये पुराना मार्ग है, उसी में से हम लोग जा रहे हैं। नए वाले मार्ग आपके ऊपर है, आपको जाने के लिए, पर हम लोग तो हमेशा से जाते हैं तो ये पुराने वाले रास्ते से जाते हैं, पुराना मार्ग से, इसका शायद नाम हिमकोटी मार्ग है, इसी से हम लोग हमेशा भवन के लिए जाते। चलिए जय माता दी। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए प्रेम भी मिलता है, जो कि आप यहाँ से इनसे बात करके प्रेम से भी अपने बच्चों को बता के ले आ सकते हो। चलिए ये देखिए यहाँ से बुकिंग होता है पिट्ठू पालकी का, घोड़े वगैरह का। देखिए जय माता दी। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग बाणगंगा पे, देखिए यहाँ नीचे बाणगंगा को दिखाते हैं अभी हम लोग। यहाँ देखिए मंदिर भी है, और यहाँ से रास्ता जाने का बाणगंगा के लिए। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार
जब माता रानी धरती पर पहुंची तो वहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने अपनी माँ से विनती करी कि इस घने जंगल में पानी के बिना कैसे रह पाऊंगा। तब माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही यहाँ पर माता रानी ने अपने केश धोए, तब से ये बाण गंगा नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये था बाण गंगा और हम चलते अपना चढ़ाई वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने आप पे जल अर्पण कर सकते हो और चलिए चलते हैं। जय माता दी। देखिए बाण गंगा पे आपको ये प्राचीन बाण गंगा मंदिर देखने मिलेगा। देखिए जय माता दी। दोस्तों मम्मी पापा नेहू और सोनी जी और हम निकल चुके हैं माता रानी दर्शन करने के लिए और माता रानी का कृपा रहा तो आप लोग भी जरूर आइएगा। बुलावा आएगा तो माता रानी का हम लोग को तो आ चुका है और आप लोग का आइएगा तो आप जरूर दर्शन करिएगा और यहाँ जरूर आइएगा माता वैष्णो देवी। चलिए जय माता दी। दोस्तों देखिए आपको रास्ता मार्ग में बाथिंग घाट भी देखने मिलेगा जहाँ पे आप नहा मार सकते हो, बात ले सकते हो। देखिए वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों देखिए ये बाण गंगा बाथिंग घाट देखिए ये बनाया गया है। यहाँ पे बहुत भक्तजन ये जो पानी जो आता है ऊपर से इसको बाण गंगा कहते हैं, उसमें देखिए स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। देखिए उससे यहाँ मछली भी है। दोस्तों बाण गंगा में हम लोग जल छिट लिए अपने आप पे, पैर हाथ धो लिए और देखिए काफी लोग यहाँ पे बात ले रहे हैं बाण गंगा में। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गीता भवन बाण गंगा मोड़ पे और यहाँ पे देखिए गीता भवन बाण गंगा मोड़ है और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर भगवान जी का मंदिर है। देखिए यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी, सरस्वती माँ, बजरंग बली, श्री इच्छापूर्ण भगवती दर्शन। दोस्तों देखिए आपको जगह जगह पे मेडिकल यूनिट और टॉयलेट्स वगैरह सब मिल जाएगा 500 मीटर या 1 किलोमीटर के रास्ते पे। वहाँ अर्थ क्वारी देखिए सामने, ज़्यादा दूर नहीं है। जय माता दी बोल के चलना है, जयकार लगाते हुए जय माता दी, जय माता दी, और बस पता नहीं चलेगा यात्रा होने में। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सब लोग यहाँ वैष्णो देवी का यात्रा करते हैं और माँ से मनोकामना मांगते हैं। तो आपको बुलावा आएगा तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए। जय माता दी। दोस्तों सामने आने वाला है प्राचीन चरण पादुका मंदिर, थोड़ी दूर में आ गई है। यहाँ माता के चरण देखने मिलेगा हम लोग को इस चरण पादुका मंदिर में। देखिए देखिए प्रथम दर्शन माता श्री चरण पादुका का ही मंदिर है। हम लोग दर्शन कर चुके हैं चरण पादुका का और यहाँ का कहानी ये कि जब माता रानी ने भैरवनाथ को देखा था पीछे मुड़ के, तब उनके चरण पत्थर पे उनका स्पर्श लग गया था, तो ये चरण पादुका मंदिर का स्थापना हुआ। देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ से पूरा कटरा सिटी दिख रहा है, कटरा। ये देखिए अभी हम लोग इस मंदिर के बराबर आ गए। देखिए और यहाँ से लुक देखिए पूरा। अभी हम लोग को बहुत ऊपर जाना है और अर्धकुंवारी, अभी अर्धकुंवारी चलेंगे। चलिए पहले जय माता दी। दोस्तों आप लोग वैष्णो देवी यात्रा में खाते पीते चलो ताकि आपको एनर्जी बने रहे। देखिए अभी हम लोग गन्ना का जूस ले रहे हैं यहाँ। तो वैष्णो देवी यात्रा में आप कुछ कुछ खाते पीते चले तभी आपको एनर्जी रहेगा और आप अच्छे से दर्शन करने के लिए यात्रा पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दवाई दुकान भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर, जहाँ से आप अपनी इंपॉर्टेंट दवाई ले सकते हो। दोस्तों मेरे पीछे कटरा सिटी, देखिए यहाँ से कितना सुंदर लुक दिख रहा है ये पूरा कटरा सिटी का। हाँ दोस्तों आपको जगह जगह पे भोजनालय भी मिल जाएगा, तो कि श्राइन बोर्ड डॉट चला जाता है यहाँ पे आपको खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। देखिए ये एरिया ऐसा। दोस्तों हम लोग बीच में आराम भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भोजनालय जो बना हुआ है श्राइन बोर्ड द्वारा और सामने में हम लोग दिखाए त्रिकुटा भवन जहाँ से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग रुके। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं हम लोग त्रिकुटा भवन कहाँ है, ये देखिए
अगर आपको दिख रहा होगा तो वो देखिए, ये था सिकुटा बन। हाँ, सामने में गुम्बद जैसा जो ऊपर में है, देखिए एकदम सेंटर में आपको दिखा रहे, वो है त्रिकुटा बन। देखिए कितना दूर से हम लोग चल के इतना ऊपर आए, देखिए कितना छोटा दिख रहा है ये। देखिए दोस्तों, इतने सारे भक्तजन आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। देखिए लाइन से इतने सारे भक्तजन हैं, सभी माता को बुलावा आए हैं, सभी यहाँ आए दर्शन करने के लिए। जय माता दी। दोस्तों हम आ चुके हैं पॉइंट पे, यहाँ लिखा हुआ है ये सीधा भवान के लिए जाएगा हिमकोटी मार्ग, जो कि 5.5 किलोमीटर का इधर से रास्ता है। और अगर आपको अर्थकुआड़ी से होके जाना है तो उसके लिए हाथी मतर मार्ग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 6.5 किलोमीटर का। दोस्तों हम लोग अर्थकुआड़ी से होके जा रहे हैं, ताकि आप लोग को हम लोग अर्थकुआड़ी का दर्शन कराएंगे और सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे अर्थकुआड़ी के बारे में, जो कहानी है माता रानी का। ये देखिए दोस्तों, यात्रा मार्ग में आपको इतने सारे बंदर भी देखने मिलेंगे, इन सबसे आप बच के रहिए, वरना आपका प्रसाद छीन सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवे टू अर्थकुआड़ी, यहाँ से ये रास्ता से जाएंगे सीधा अर्थकुआड़ी के लिए। देखिए उसे सामने दिख रहा है हम लोग को अर्थकुआड़ी, वाही के बस जय माता दी, जय माँ अर्थकुआड़ी। चलिए देखिए दोस्तों, अर्थकुआड़ी के पास आपको बहुत सारे होटल्स, भोजनालय वगैरह, देखिए सागर रत्न आउटलेट्स वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना खा पी सकते हैं। साथ हम लोग लगभग 4 घंटे में नीचे से पहुँच चुके हैं अर्थकुआड़ी में। हम लोग 1:30 बजे स्टार्ट किए, तो अभी 5:30 हो रहा है, यानी लगभग 4 घंटा लगा हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए। और ये देखिए, ये है अर्धकुआड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है वे टू भवन विया हिमकोटी मार्ग, जो कि नीचे से जाता है, अभी वो आपको बाद में दिखाएंगे। और ये रास्ता है सानी छत के लिए, तो जहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड है, तो जो सानी छत वाला रास्ता है, चढ़ाव वाला है, यानी थोड़ा सा उसमें स्टेप है, तो आपको थोड़ा चलने में दिक्कत होगा, तो हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करते हैं। और देखिए ये है, यहाँ पे शैलपुत्री भवन है, जहाँ पे आपको बेड ऑनलाइन बुकिंग पे 150 रुपया डॉर्मेंट्री में मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों, देखिए ये गर्जुन का रास्ता, शायद अभी बंद है। देखिए आरती होने के बाद शायद स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखिए इतने लोग भजन का भीड़ है यहाँ पे, देखिए हम लोग तो दर्शन कर चुके पहली अर्थकुआड़ी का, तो एक ही बार करना होता है ज़िंदगी में, क्योंकि गर्भगृह है ये, तो माँ के गर्भ से एक ही बार निकला जाता है वैसे ही, तो गर्भजून से भी एक ही बार जाया जाता है, ये मान्यता होता है। तो हम लोग तो अर्थकुआड़ी बस पे यहाँ पे रुक के अब जा रहे हैं भवन की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग अर्थकुआड़ी में खाने वाले गरमा गरम जलेबी, देखिए हम लोग यहाँ बन रहा है, यहाँ से लोग पैक कराएंगे। और इस दुकान का नाम है पूजा हलवाई शॉप। दोस्तों अगर आपको पैसा भी निकलवाना, तो यहाँ पे देखिए JNK का बैंक है, ATM है यहाँ, तो यहाँ से भी आप, अगर कैश नहीं आपके पास तो यहाँ से निकलवा सकते हो। और अभी हम लोग चलते हैं सागर रत्न कुछ खाने के लिए। चलिए जय माता दी। दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ समोसा, पकौड़ी, गर्मा गर्म जलेबी और ये सब लिए है, अभी डोसा भी खाएंगे सागर रत्न में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप, और अभी खा लेते थोड़ा सा खाना पीना, खान पान चल रहा है। चलिए दोस्तों, सामने में आरती स्टार्ट होगा भवन का, प्राचीन गुफा में देखिए हो रहा है भवन में आरती। देखिए या वो टीवी पे दिखा रहे लाइव टेलीकास्ट माता रानी के भवन से सीधा डायरेक्ट लाइव, क्योंकि अभी सांझ जाती हो रहा है। देखिए जय माता दी, जय माँ भगवती। लोग देखिए यहाँ पे गर्भजून गुफा के अंदर जा रहे हैं, देखिए लाइन खुल चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा वे टू भवन, अंदर भवन के लिए। चलिए चलिए जय माता दी, जय माता दी। अब हम लोग फाइनली भवन के लिए निकल चुके हैं, अब चाहते सीधा माता रानी के भवन का दर्शन करते हैं। चलिए जय माता दी। दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर है, देखिए पूरा बंदर ही बंदर है यहाँ पे, देखिए रास्ते में देखिए, ओ भाई वानर सेना दोस्तों, वानर सेना। कटरा सिटी हम लोग देख रहे हैं, इतना ऊपर देखिए कितना सुंदर दिख रही है। दोस्तों आप लोग ज़रूर आइए यहाँ माता रानी के दरबार, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और आप लोग भी ये स्वर्ग को खुद से अपने आंखों से देखिए। चलिए हम लोग अभी रास्ते पे जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए सीधा भवन, तो आपको रास्ते का कुछ कुछ दिखाएंगे और चलते सीधा भवन की ओर। चलिए जय माता दी। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए पूरा रास्ता ऐसा गोल घूमते हुए पहाड़ के दूसरे पहाड़ करते करते, देखिए पूरा ये रास्ता मार गए। और हम लोग को अभी 4-5 किलोमीटर चलना है, यानी कि लगभग 2 घंटा लगेगा भवन पहुंचने के लिए।
अर्धकुआरी से 2 घंटा लगता है, फिर हम लोग भवन में दर्शन करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। जय माता दी। दोस्तों सब चीज़ एक तरफ और खाली पैर वैष्णो देवी चढ़ाई करने का एक तरफ, हम लोग खाली पैर ही चल रहे हैं नीचे से ही। और देखिए थोड़ा ही दूर है, अभी 2.5 किलोमीटर और रह गए वैष्णो देवी के लिए। दोस्तों जो ऊपर वाला दिख रहा आपको वो है भैरवनाथ का रास्ता। देखिए कितना ऊपर है ये, तो भैरवनाथ तो और भी ऊपर ज़्यादा है। देखिए दोस्तों आखिरकार हमें दिख रहा है सामने माता रानी का भवन। देखिए देखिए वो रहा माता रानी का भवन है। जय। दोस्तों देखिए माता रानी का भवन हमको दिखने लगा यहाँ से, बस कुछ ही दूर और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे माता रानी का भवन। चलिए जय माता दी। दोस्तों हम लोग चढ़ रहे हैं, तब तक आपको अर्धकुआरी कहानी बता देते हैं। तो अर्धकुआरी में जो गर्जुन है, जैसे कैसे एक माता के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है, तो वैसे ही उस गुफा में 9 महीने तक माता रानी कन्या के रूप में रही थी, तो तभी से वो पवित्र गुफा गर्भजून का बन गया। चलिए ये था कहानी अर्धकुआरी का। बस पास आ चुके बहुत ज़्यादा। अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये माता रानी का भवन। ये भवन का चेक पॉइंट के जस्ट सामने यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं, और ये है पार्वती भवन। फैसिलिटी वगैरह देखिए आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बैटरी कार के लिए लाइन लगा हुआ है। देखिए आप बैटरी कार भी यूज कर सकते हैं, इसका प्राइस देखिए ये है। दोस्तों सामने में देखिए लिखा हुआ टिकट काउंटर है रोपवे का। ये रोपवे है आपका भवन से लेकर ऊपर भैरवनाथ के लिए, ये पढ़ सकते हैं आप। आपका टू एंड फ्रो है 100 रुपया पर पर्सन। यहाँ से अभी हम लोग अपना बेट ले रहे हैं, देखिए प्रसाद ले रहे हैं। देखिए ये रेट है। देखिए दोस्तों हम यहाँ से प्रसाद ले लिया अपना। देखिए यही होता है चढ़ावा माता रानी के लिए। ये 100 वाला है विथ नारियल, बाकी का रेट आपको दिखाई देते वहाँ पे। तो प्रसाद हम लोग ले ही चुके हैं, अब जाएंगे अपने लॉकर रूम में सामान वगैरह रख के, क्योंकि भवन में जाने के लिए अंदर कुछ अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ पे लॉकर रूम में हम लोग सारा सामान रख के फिर जाएंगे सीधा दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ से देखिए अब जा रहे हम लोग भवन की ओर, क्योंकि पीछे एक लॉकर रूम था जो पार्वती भवन था, उसमें एक लॉकर था अभी हम लोग, लेकिन आगे लॉकर यूज़ करेंगे जो कि भवन के पास है। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मोबाइल कैमरा स्मार्ट वॉच ईयरफोन टेबल मेडिसिन बेल्ट शूज लेदर प्लास्टिक एनी पर्स बैग लगेज नॉट अलाउड इनसाइड द होली केव। तो देखिए ये अभी स्काई वॉक बना है नया अंदर पिंडी दर्शन करने के। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नव दुर्गा पाथ, ये रास्ता है स्काई वॉक नव दुर्गा पाथ। देखिए तो चलिए पहले हम लोग अपना लॉकर रूम में सारा सामान रख देंगे, फिर जाएंगे इसी स्काई वॉक से अंदर पिंडी दर्शन करने के। चले जय माता दी। दोस्तों हम लोग ये कि यहाँ लॉकर रूम मिल गया, हम लोग यहाँ पे अपना लॉकर रखेंगे और अब मिलता है आपको सीधा माता रानी के दर्शन करके पिंडी दर्शन करके। चलिए अंदर कुछ फोन वोन अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग आपको अंदर करने दिखा पाएंगे, तो अपना फोन रख के चलते सीधा अंदर दर्शन करेंगे। जय माता दी। सामने देखिए कितना सुंदर दिख रहा है माता रानी का भवन, और अभी सुबह हो चुका है और आरती हो रहा है अभी। तो देखिए सभी लोग स्काई वॉक पे, ये नया बना है, सभी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए माता रानी का, पर हम लोग तो कर चुके हैं रात में ही। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये माता रानी का भवन पूरा। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और माता रानी के दरबार हम लोग देख लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुआ तीनों पिंड का। माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती 3 पिंड के रूप में विराजमान है गुफा के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर ऊपर है, वह इसका बहुत खड़ा चढ़ाई है, देखिए ऐसे स्टेप है। तो अगर आपको रोपवे मिल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप पिट्ठू पालकी वगैरह करके जा सकते ऊपर। जा रहे हम लोग अब सीधा भैरवनाथ के लिए, फिर हम लोग का दर्शन सफल होगा। तो चलिए आपको तब तक भैरवनाथ की कहानी बना देते हैं। जब माता रानी ने नीचे वो गुफा है वहाँ से होकर जब निकले थे, फिर वहाँ पे घमासान युद्ध हुआ था भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी के बीच में। फिर माता वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सर
धर से अलग कर दिया और फिर उड़ के सीधा उनका सर गया भैरव घाटी में, जो कि ऊपर है, जो कि 2 किलोमीटर ऊपर है नीचे भवन से। तो फिर भैरव बाबा का जब सर धर से अलग हो गया, फिर वो माता रानी से क्षमा मांगे और फिर वो अपना गलती एक्सेप्ट किए। और फिर उसके बाद माता रानी उनको वरदान दी कि जब तक मेरे पूजा के बाद तुम्हारा पूजा नहीं होगा, तब तक सारे भक्तजन का यहाँ आना सफल नहीं होगा। इसीलिए मान्यता है कि जब भी आप वैष्णो देवी आए तो माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करें, तभी आपका ये यात्रा सफल होता है। देखिए पहाड़ के ऊपर इतना हम लोग आ चुके हैं, वो सामने रहा माता रानी का भवन, देखिए कितना ऊपर आ गए हम लोग। देखिए दोस्तों रोपवे से जा सकते हैं आप डायरेक्ट भैरवनाथ भैरव घाटी। रोपवे का चार्जेस जैसे आपको बताए थे ₹100 पर पर्सन लगता है। 4-5 घंटा लाइन के बाद आपको आपका नंबर आएगा रोपवे के लिए। तो हम लोग रोपवे नहीं करके सीधा पैदल निकल गए भैरवनाथ के लिए। दोस्तों आ चुका है भैरव घाटी, सामने के भैरव मंदिर जाने का रास्ता बस सामने। देखिए दोस्तों आगे ही लंगर और भेंट प्रसाद भैरवनाथ का। दोस्तों ये कूपन यहाँ से कटाना है, भेंट प्रसाद 50 का और जो हैंड नीटेड ब्रेसलेट आता है वो 20 का है। दोस्तों मिर्ची का प्रसाद भैरवनाथ के लिए पहुँच चुके दोस्तों हम लोग भैरवनाथ। देखिए ये रहा भैरव बाबा का मंदिर सामने, जय भैरवनाथ। देखिए और यहाँ पे बहुत सारे बंदर लंगूर भी है, देखिए सामने में। और ये व्यू देखिए, टॉप पे आ चुके हम सबसे, भैरवनाथ घाटी है ये। तो सामने में बर्फ दिख रहा होगा आपको पहाड़ पे, वो वाह। जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अंदर फोन वोन अलाउड नहीं है, तो सामान वगैरह के जूता चप्पल यहीं रख के जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। चलिए देखिए यही रास्ता है श्री भैरव मंदिर जाने का, भैरव मंदिर एंट्री गेट यही है। दोस्तों लोग भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और प्रसाद भी चढ़ा दिए भैरव बाबा को, और जैसे बाबा जी का विभूति है वो ले लेंगे। यहाँ देखिए साथ हम लोग का पूरा यात्रा माता वैष्णो देवी का यही समाप्त होता है। तो आपको अगर पसंद आया ये पूरा व्लॉग तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता रानी की कृपा आप सब पे बरसे। और जय माता दी। चलिए अरे दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लंगर हॉल में, यहाँ लंगर हॉल है श्री भैरव लंगर है ये। तो यहाँ भैरव बाबा का प्रसाद खा लेंगे हम लोग लंगर में, फिर चलेंगे नीचे उतरेंगे सीधा। दूसरे कि हम लोग को यहाँ लंगर में मिला है। तो दोस्तों आपको भैरवनाथ आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा, पूरा ये पहाड़ देखिए क्या लुक है यहाँ से। आपको मेरे साथ यहाँ का वैष्णो देवी यात्रा करना पसंद आया, माता रानी का भवन देखना पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।